सांसद माधुरी कलाल और माई वोट माई सीएम की इस कड़ी में लेकर आ गई हूँ आपको झारखंड की दुमका विधानसभा सीट पर। दुमका जो झारखंड की उपराजधानी है, दुमका जिसने झारखंड को तीन तीन मुख्यमंत्री दिए हैं, दुमका संथाल परगना का वो क्षेत्र जो गुरुजी और उनकी पार्टी जेएमएम का मजबूत गढ़ रही है। लेकिन 2009 में हेमंत सोरेन यहां से मुख्यमंत्री बने तो सभी ने सोचा कि जेएमएम को शायद यहां से कोई हरा नहीं पाएगा। 2014 में मोदी लहर में हेमंत सोरेन कोई कमाल नहीं कर पाए। देखना ये होगा कि इस बार 2019 के इन चुनावों में क्या लुइस मरांडी जो बीजेपी के प्रत्याशी है और हालिया सरकार में मंत्री, उनका पलड़ा भारी रहता है या फिर अनुसूचित जनजाति के आरक्षित इस सीट पर हेमंत सोरेन फिर से कोई कमाल कर पाते हैं। तो चलिए करते हैं इस सीट की बारीकी से चुनावी पड़ताल। दुमका विधानसभा की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ 20 से 22 फीसद जनता ही शहरों में रहती है। ये इस दुमका टाउन या पंचायत कह लीजिए विधानसभा का मेन चौक है, जहाँ टीन बाजार इसे कहते हैं, और इस बाजार में आपको हर सुविधा की चीज मिल जाती है। लोग गांव से इस तरफ आते हैं क्योंकि सोचिए कि 20 से 25 फीसद आबादी सिर्फ गांव में या शहरों में रहती है, बाकी 75 फीसद आबादी यहाँ गांव में रहती है। और गांव में ही रहने के कारण ये सीट क्योंकि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, संथाल परगना का क्षेत्र है जिसमें संथाली लोग रहते हैं, वैसी ही भाषा बोलते हैं, और इसी का फायदा यहाँ के जो बड़े नेता, बड़े जो चेहरों के साथ यहाँ नेता आए झारखंड के, उनको मिलता रहा। लेकिन सोचिए जिस क्षेत्र ने तीन तीन मुख्यमंत्री दिए हों, हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी और शिबू सोरेन जैसे तीन तीन मुख्यमंत्री इस क्षेत्र से रहे और उस क्षेत्र का विकास शायद आज भी विकास अपनी बाट जो रहा है, यही कहें कि विकास अभी भी इंतजार कर रहा है। लेकिन हाँ, इन 5 सालों में बीजेपी की सरकार आने के बाद यहाँ की जो विधायक भी है लुइस मरांडी और सरकार में मंत्री भी हैं, उनका कहना है कि उन्होंने बहुत काम किया है। देखते हैं इन लोगों से बात करके कि क्या वाकई इन 5 सालों में जो लुइस मरांडी के दावे हैं अपने काम के, वो कितने कारगर साबित हुए हैं। दादा नमस्ते, क्या नाम है आपका? संजय केसरी। संजय जी, क्या करते हैं आप? कौन मैं? फल के पत्ते। अच्छा, आपका अपना व्यापार है तो इधर ही रहते हैं आप? यही संथाल में ही? हाँ, दुमका में ही? दुमका में। अच्छा, ये बताइए दुमका में इतना इतने शिबू सोरेन, उसके बाद बाबूलाल मरांडी, फिर हेमंत सोरेन, तीन तीन मुख्यमंत्री क्षेत्र से हुए, विकास तो यहाँ दिखता नहीं है? विकास के नाम पर मतलब जितने भी हुए, तीन तीन मुख्यमंत्री हुए, मगर आज तक हम लोगों का जो व्यापार है विकास के नाम पे आश्वासन मिलता है। आश्वासन जिसको एक धैर्य आप लोग रखिए, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलता। आप बताइए क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। क्या करते हैं धर्मेंद्र आप? प्राइवेट कंपनी में वर्किंग है। अच्छा, जॉब करते हैं। सरकार जो बीजेपी की सरकार है वो बहुत दावे कर रही है कि हमने लोगों को रोजगार दिया है, रोड, बिजली, पानी भी दिया है। 5 साल में यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, काम हुआ कि नहीं? काम तो थोड़ा सा दिखा है मैडम, लेकिन रोजगार की जहाँ तक बात है ना, रोजगार में मतलब बातों में दम नहीं है। अच्छा, इस बार दुमका क्या दिखाने वाला है? हेमंत सोरेन को फिर लेके आएगा या लुइस मरांडी के साथ जाएगा? अभी तो पक्ष तो दोनों तरफ से लगभग बराबर ही लग रहा है, लेकिन मैडम का थोड़ा रुतबा ज्यादा है। मार साहब, ये बताइए कि यहाँ विकास के दावे हुए हैं इतने, इस जगह पे दुमका, खास दुमका शहर टाउन जो है, यहाँ पंचायत वहाँ दिखता है डेवलपमेंट? केवल सड़क बनी है। सड़क बनी है? सड़क किन 5 सालों में बनी है या उससे पहले बन गई थी? नहीं, इसी 5 साल में बनी है। इसी 5 साल में बनी है। एक्चुअली मुझे हेमंत सोरेन साहब ने कहा कि उनकी जो गर्दन है वो दर्द होने लगी, बहुत रोड ट्रिप किया उन्होंने। उन्होंने कहा सड़कें कहीं दिखी नहीं मुझे। आप उनकी जनता है, उनको बताइए सड़क बनी कि नहीं? वो गलत बोल रहे हैं, सड़क बनी है। सड़क बनी है। तो इस बार आसान है लुइस मरांडी के लिए फिर, या सोरेन साहब निकल जाएंगे? नहीं नहीं, लुइस के लिए आसान है। महिलाएं खुश है यहाँ। महिलाएं खुश हैं, और महिलाओं के लिए देखिए मैं एक बात बता दूं, ये बहुत जगह सुना और देखा गया कि लुइस मरांडी ने, जो यहाँ की मौजूदा विधायक हैं और सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया, चाहे वो तेजस्विनी योजना हुई, चाहे वो लाडली योजना जो केंद्र की यहाँ से लाई गई है, इस योजनाओं के तहत महिलाओं को खुश किया गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिलीप कुमार सिंह। दिलीप कुमार जी, यहीं रहते हैं आप? अच्छा, ये बताइए क्या करते हैं आप? हम लोग ऐसे बेरोजगार हैं। बेरोजगार है? हाँ। अपना भी व्यापार नहीं कर पाते हैं? ऐसे छोटा मोटा कुछ धंधा करते हैं। अच्छा, ये बताइए यहाँ क्या विकास हुआ है सरकार की तरफ? देखिए विकास तो क्या है, मतलब विकास वैसा बोलेगा तो रोड हुआ है, लेकिन मूलभूत सुविधा है अभी भी पेयजल का किल्लत है, मतलब पेयजल नहीं मिल रहा है। दूसरी बात,
बेरोजगार इतना काफी बढ़ गया है कि सरकार तो बेरोजगार का कोई समाधान नहीं कर पाया। मतलब जैसे इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ होना बहुत जरूरी था, वो भी नहीं हुआ। काफी संख्या में बाहर का भी टीचर उचर का बहाली हो गया, इसमें तो दुख है। बाहर का जो टीचर बहाली हुआ इसमें काफी दुख है हम लोग का। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का जिला लेवल का स्टेट जिला लेवल का नियुक्ति होना चाहिए और बहाली यहाँ का लड़का लोकल लड़का को होना चाहिए। और काफी मैंने बहुत परेशानी, बेरोजगारी इतना है ना। तो इस बार आसान किसके लिए है, बीजेपी या जेएमएम? देखिए आसान मैंने कंटेस्ट रहेगा, कड़ी टक्कर रहेगा मरांडी और हेमंत सोरेन के बीच। हाँ रहेगा। रघुबर दास मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं झारखंड में? देखिए सरकार तो उनका बनेगा, सरकार तो बनेगा बनेगा। इतना भरोसा है आपको? भरोसा है कि योजना योजना वगैरह जो दिया है उसमें तो गांव देहात का लाभों को मिला है, गांव देहात के लोगों को मिला है। देखिए अगर मैं रघुवर दास की बात करूं तो मुख्यमंत्री के तौर पर उनका सिर्फ और यही कहना है कि गांव, गरीब और किसान के लिए हमारी सरकार ने काम किया है, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए काम किया है। और वो ज्यादातर जेएमएम की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे। कुछ और लोगों से बात करते हैं। नमस्ते। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? अजय गुप्ता जी। क्या करते हैं सर आप? बिजनेस है अपना। आप लोग कब से हैं दुमका में? मैं बॉर्न दुमका से हूँ। तो फिर तो आपने इसको बदलते बढ़ते सब देखा होगा। बिल्कुल। क्या डेवलपमेंट जेएमएम की सरकार में हुआ? हाँ। क्या जेवीएम ने किया और अब बीजेपी की सरकार में क्या हुआ? अभी तक जो हम लोग को देखने में आया है कि बीजेपी का जो यहाँ पर टर्म रहा है वो काफी बहुत अच्छा ही रहा है। और यहाँ पर विकास का जो काम हुआ है, जैसे रोड हुआ या फिर हम शिक्षा जगत की बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल स्कूल आ गया है। स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पे आपका मेडिकल कॉलेज आ गए हैं। तो इन तरह की तमाम जो चीज़ें हैं जो कि जनहित में होता है वो सब मिला है दुमका। हेमंत सोरेन के लिए आसान है फिर से या लुईस मरांडी जी के लिए? नहीं, लुईस मरांडी जी यहाँ से निकल जाएंगे, हो जाएंगे बिल्कुल। देखिए यहाँ हमेशा सरकार की अगर बात करें तो जेएमएम, जेवीएम और बीजेपी, यही तीनों रही। कांग्रेस का बहुत ज्यादा असर रहा नहीं क्योंकि जेएमएम अलायंस में है कांग्रेस के, तो वो ऑलरेडी उनके लिए आसान हो जाता है। मैम नमस्कार। नमस्ते, बताइए। नमस्ते, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा मीना कुमारी मुर्मू है, बोलिए। अच्छा मीना कुमारी जी, बताइए मैम कि यहाँ महिलाओं के लिए लुईस मरांडी जी कह रही है मैंने बहुत काम किया है, मैडम ने काम किया है यहाँ पे, इस बार आसान होगा? किया है वो, क्या किया, फालतू है वो। अच्छा तब क्या? कुछ भी नहीं किया हम लोग का, उधर देखो कोई काम है नहीं किया तो क्या बोलेगा? क्या 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 होना चाहिए था जो नहीं किया? वहाँ नाली नया, रोड नया, खाली उसका कैटा वो अपना आदमी है उसी को जो चाहिए, बाकी कोई बना झूठो मुठो का? खाली नाम यहाँ दुमका के बेटी, यही है दुमका का बेटी का, सबको बर्बाद करके रख दिया और सेठ साहूकार का, हम लोग गरीब के लिए नहीं है। तो इस बार क्या हेमंत सोरेन जी आएंगे कि फिर से नहीं आएंगे? अब नया सरकार बनेगा, हेमंत सोरेन भी नहीं आएंगे? नहीं आएगा हेमंत सोरेन भी नहीं आएगा, लुईस मरांडी भी नहीं आएगा, तो कौन आएगा? कोई तीसरा आएगा, नया चेहरा आएगा, बार बार हम लोग उसी को देखेंगे क्या? झूठ मूठ का गाँव को देहात को आदमी को बुड़बक बनाता है ना, हम लोग दरुआ पीने वाला है ना, हम लोग पैसा लेने वाला है, तो हम लोग इसलिए इस लोग को नहीं चाहते, दोनों को नहीं चाहते हम लोग। तीसरा कोई बनेगा, कोई नया होगा उसको बनाएंगे। फिर कौन आएगा? जेएमएम कांग्रेस दोनों साथ में साथ, लेकिन हम लोग दोनों को नहीं देंगे। और बीजेपी रघुवर दास कह रहे हैं कि हमने बहुत काम, रघुवर दास तो गया। अच्छा एकदम गया, हम बता रहे हैं रघुवर दास गया। और क्यों गया ये बता? क्यों गया उसका कारण बहुत है, आप कितना आपको बता देंगे, देख ही रहे हैं आप रघुवर दास का क्या स्थिति है। इस बार कुछ भी हो रघुवर दास नहीं आएगा। चलिए महिलाओं को खुश करने की बात एक तरफ हो रही थी, दूसरी तरफ उनका गुस्सा भी देख लीजिए। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे कौन सी सरकार आ रही है, लुईस मरांडी जी के लिए आसान है कि हेमंत सोरेन जी के लिए? मैम ये तो चुनाव है, कुछ भी डिक्लेयर कह पाना तो पॉसिबल नहीं है। आपको डिक्लेयर करने के लिए नहीं कह रहे, आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, आप तो अपना ओपिनियन बताइए। मैं तो नोटा को प्रेफर करूंगा। नोटा क्यों? क्यों क्यों का तो सब्जेक्ट ही नहीं बनता है, हम किस लिए आपको वोट करें? हम अपना वोट दे और हमारे वोट का बाद में कीमत लगे, क्यों करें हम? कीमत लगे मतलब खुल के बताइए। खुल के ये बताएं कि हम आपको क्यों सपोर्ट करें या किसी भी को भी क्यों करें हम? जनता के हित में कोई बात हो तभी तो, चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, पिस्ती तो जनता ही है, अंत का तो रिजल्ट यही है जनता के लिए। देखिए इन्होंने नोटा की बात की और ये बहुत सीरियस मैटर है क्योंकि
दुमका वो सीट है जहां पिछली बार जब लोकसभा में इलेक्शन हुए थे तो 2% आबादी ऐसी थी जिसने नोटा का इस्तेमाल किया था। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि लोग चुनावों से, लोकतंत्र की सबसे बड़ी प्रक्रिया से, इतना खिन्न जाते हैं कि वो नोटा का इस्तेमाल करते हैं। मतदान तो देते हैं लेकिन नोटा पे बटन दबाते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? प्रताप दास। प्रताप दास जी, यहीं रहते हैं आप दुमका में ही? दुमका में डेवलपमेंट होता देखा है सर? यहाँ कुछ स्कूल, कॉलेज, रोड, बिजली, पानी सब ठीक हुआ है? वो सब तो सही है, वो सब तो हो ही रहा है। एक मुद्दा है जो कि नहीं हो पा रहा है, जो बेरोजगारी का यहाँ बहुत दिक्कत है। बेरोजगारी जो कि सरकार अभी तक कुछ नहीं कर पा रही है। तो इस बार किसके लिए आसान है? लुइस मरांडी जी वापस आ जाएंगे या हेमंत सोरेन जी ने फिर पर्चा भरा है उनके लिए आसान है? इस बार उम्मीद कम है लुइस मरांडी जी का, इस बार हेमंत सोरेन का चांस ज्यादा लग रहा है। हेमंत सोरेन को हराया क्यों था लोगों ने? उनका टाउन पे, उनका टाउनशिप में उनका जो कैंडिडेट है, जो कि आपका पार्टी का जो सदस्य है, वो अच्छी तरह से कम्पीट नहीं कर पाए, इसलिए वो कुछ हुआ। उसका जो साइड में जितना भी उसका है वोटर, वो सही है, टाउन भर उसका लिए सही नहीं है। टाउन में सही जेएमएम को वोट नहीं मिलता, ये सच बात है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, 2014 में चुनाव हुए थे तो कुछ 5,000 के वोटों का अंतर था दोनों के बीच, लुइस मरांडी बीजेपी की जो प्रत्याशी थी और हेमंत सोरेन जेएमएम के। क्या होता है कि जब यहाँ पे वोटिंग होती है तो यहाँ के लोग भर के बीजेपी को वोट कर दिए शहर के, और जब गांव में बात आई तो वो तीर, जो तीर कमान जो उनका चिन्ह है उसके निशाने को बटन दबा दिए। यानी कि गांव में हेमंत सोरेन की जो पकड़ थी वो ज्यादा थी, इसलिए उन्हें वहां वोट मिले। लेकिन यहां पे जितने वोट बीजेपी को मिले उसे मेकओवर करते करते 5,000 वोटों का अंतर फिर भी रह गया और इसीलिए हेमंत सोरेन हार गए। और ये ठीक कह रहे हैं कि शहर में ज्यादातर जेएमएम की पकड़ नहीं दिख रही। गायत्री जायसवाल जी, आप यही दुमका से ही हैं? तो दुमका में डेवलपमेंट की बहुत बातें होती हैं और दुमका हॉट सीट है बहुत। लग रहा है कि इस बार लुइस मरांडी के लिए फिर आसान होगा या फिर हेमंत सोरेन बाजी मारेंगे इस बार? ऑब्वियसली आसान होगा। क्यों? क्योंकि काम हुआ है यहाँ सारे महिला लोग को, जैसे मान लीजिए उज्ज्वला योजना हुआ, सड़क के निर्माण हुआ है, उसके बाद आपका मेडिकल कॉलेज आया है, उसके बाद आपका सेंट्रल स्कूल आया है, अभी आपका सैनिक स्कूल आया है, तो काम तो हुआ है। और महिला लोग के सुविधा भी बहुत आया है, बहुत सारा सर्विस भी हुआ है ना। मतलब ये कह रही हैं आप कि झारखंड के मुख्यमंत्री बनने के लिए रघुवर दास के लिए आसान होगा? मतलब ऑब्वियसली होगा, आसान होगा। आप बताइए आपको क्या लग रहा है इस बार, लुइस मरांडी की हेमंत सोरेन? लुइस मरांडी आएगा। लुइस मरांडी, हेमंत सोरेन क्यों नहीं? इतना दिन 15 साल काम कर चुका है लेकिन कोई विकास नहीं। देखिए मुझे लगता है कि अगर आप शहर में बात करेंगे तो दोनों तरफ के मिक्स रिएक्शन है, और ज्यादातर अगर आप संथाल की बात करें तो हमें, मुझे आपको शहर से ले जाके थोड़ा गांव के एरिया में ले जाना चाहिए जहां आपको थोड़ी और लोगों की राय पता चल पाए, उस खासकर अनुसूचित जनजाति की राय पता चल पाए जो यहाँ का मेन वोट बैंक है, जो मेन वोटर है, जो यहाँ किसी की सत्ता बिगाड़ सकता है और बना सकता है। चलिए से निकलकर, बहुत छोटा सा दुमका टाउन है, वहां से निकलकर मैं आपको हिजला ग्राम में लेके आई हूँ। ये गांव है जो एकदम टाउन से सटा हुआ है और यहाँ हम लोगों से बात करेंगे कि क्या यहाँ वाकई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बन रहे हैं, क्या यहाँ उज्ज्वला गैस पहुंची है, क्या यहाँ पर जो सरकार के दूसरी योजना है वो पहुंची है। इस गाँव के कुछ 100 घर है इस गाँव में और 1,000 से ऊपर की आबादी है। जरा हमारे साथ चलिए। जोहार, बैठिए 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 अम्मा, बैठ जाइए। आप बैठ जाइए, मैं नीचे बैठ जाऊंगी। आपका नाम क्या है? नुनी मुर्मू जी। अच्छा, आपका ही घर है ये? यही घर है। अच्छा, और मुझे बताइए कि पूरा दिन क्या करते हैं आप लोग? आप तो बहुत शुद्ध हवा पानी में रहते हैं। क्या करें, हम तो लकवा मर गया था बेटे यहाँ। अच्छा, पर पैर दर्द होता है। हाँ। तो सरकार यहाँ पर कुछ दवाई ववाई देती है कि नहीं? मैंने जड़ी बूटी से ठीक हो गया, जड़ी बूटी से ठीक हो गया। लेकिन ये बताइए अम्मा, हाँ? कि घर में सरकार की तरफ से यहाँ उज्ज्वला गैस योजना के तहत वो है, गैस आया है? नहीं आया। गैस नहीं मिला, बिजली मिला है? हाँ, बिजली तो है ही है बेटे, बिजली है। और पानी की दिक्कत तो नहीं है?
हाँ, पैसा पैसा होगा उसका। अच्छा आप बताइए, आपका नाम बताइए। हम तो क्या बताएंगे, हम तो बहुत छोटा नाम है ना। अरे आपका नाम बताइए। भले। अच्छा, और क्या करते हैं आप पूरा दिन खेतों में काम? खेती भी थोड़ा से है, हम लोग को बगल कर रहा है थोड़ा थोड़ा, एक दूठो गाया है। गाया है हाँ? अच्छा गाय है। अच्छा ये बताइए ना माँ, यहाँ पर किसानों को कोई फायदा दिया है सरकार ने, किसान लोगों को, कि उनको पानी, सिंचाई का पानी मिला हो या किसानों को कोई पेंशन मिला हो? सरकार तो देवी कर रहा है थोड़ा सा, बहुत दिया है। नहीं 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 नहीं, आपको जो बोलना है बोल सकती हैं, कोई पेंशन भी नहीं मिले है। नहीं, नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा, कहाँ करेगा, क्या करेगा, मिलेगा तुमको वही बताई, इसको मैंने दिलवाएगा। ठीक है, चलिए आप बताइए, आप बताइए भाभी, आपका नाम बताइए। साले ये बहुत प्यारा है। क्या नाम है? शालिनी टुडू। अच्छा शालिनी जी, ये बताइए कि यहाँ घरों में गैस पहुंचा है? हाँ मतलब पराया सबको नहीं मिला है, पर लोगों को मिला है, मिला है। यहाँ ये जो घर बन रहे हैं गांव में, ये अपने घर बना रहे लोग की प्रधानमंत्री आवास योजना है? नहीं अपने घर बना है। अपने घर, तो प्रधानमंत्री आवास योजना से भी कुछ बना है? बना है, एक दो आदमी का बना है। तो यहाँ किसके लिए आसान होगा, बीजेपी के लिए या जेएमएम के लिए, हेमंत सोरेन या लुईस मरांडी? मैंने फिलहाल तो अभी तो लुईस मरांडी है, तो बात की बात तो बाद में मतलब पता चलेगा। अब बनना तो है, मतलब आदमी सोच रहा है कि एक बार फिर हेमंत भी जीत जाने से अच्छा है, एक बार फिर ले आए। हाँ अच्छा, तो हेमंत सोरेन यहाँ पर गांव में आप जैसे घुसेंगे ना, तो हेमंत सोरेन के लिए लोगों का जो आस्था उनके उनके पिताजी का और उनकी पार्टी के प्रति है वो दिखती है। थोड़ा आगे चलते हैं। कौन सिखाया तुमको ये? हा? कौन सिखाया? अपने से सीख लिए। कहाँ देखे, कहाँ देखे, देखा ये खेलना? हाँ क्या बताओ, कहाँ सीखे खेलना? टीवी में आता है तो देख लेते हैं। टीवी में आकर देखते हो? टीवी चलता है पूरा यहाँ? बिजली है इधर? गांव में बिजली है, मतलब आपका स्कूल कहाँ है? जिला गांव में। और स्कूल है, कितना बढ़िया स्कूल है कि नहीं? बढ़िया स्कूल है। स्कूल में खाने को देते हैं कि नहीं मैम? हाँ देते हैं। पढ़ाती हैं टीचर्स प्रॉपर, अच्छे से पढ़ाती हैं? हाँ। चलो ठीक है। माई वोट माई सीएम की अगली कड़ी में रविवार शाम 4:55 पर आपको दिखाएंगे दुमका के जनजातीय इलाकों का चुनावी मिजाज। दुमका से संवाददाता माधुरी कलाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।